हेलो गाइस, राम राम सभी को। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। तो आज हम निकल चुके हैं अपना एयरपोर्ट के लिए। वहाँ पे देखते हैं काम वगैरह कैसे रहेगा। बाकी जो भाई एक और हैं पीछे जो आ रहे हैं, इनको तो इसमें में कुछ काम है, किसी भाई के पास जाना है। तो हम जा रहे हैं साथ में ही। हम जाएंगे यहाँ से कम्बोई में, 10:12 पे है और हम पूरे 10 बजे निकल चुके हैं। हमको पूरे 7-8 मिनट ही लगने हैं वहाँ तक पहुँचने में। तो हम वहाँ पहुँच के मिलते हैं आपको सीधे कम्बोई पे, फिर उसके बाद अपना शिप में, क्योंकि आज यहाँ पे गवर्नमेंट छुट्टी है, तो इसलिए 1-1 घंटे बस कम्बोई है और 1-1 घंटे बाद ही शिप है। तो हमारी ऐसी पकड़नी बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर 1 घंटा सीधा लेट हो जाएंगे। तो फिलहाल हम मिलते हैं अपना वहीं पहुँच के बारको स्टेशन पे। तो बने रहना वीडियो में। तो फाइनली गाइस, हम पहुंच चुके हैं अपना बारको स्टेशन पे और हम जा रहे हैं अपना सीट में बैठने के लिए। तो मिलते हैं आपको सीट में बैठने के बाद। ला दें। तो गाइस, कम्बोई में से अपना कम्बोई से उतर के शिप में चढ़ के और शिप में से उतर के अब हम आ चुके हैं अपना ट्रेन तो पासो मेट्रो स्टेशन पे। अब हम यहाँ से जाएंगे भाई, तो जाएंगे अपना ओरिएंट और हम जाएंगे सीधा अपना एयरपोर्ट। तो मिलते हैं आपको एयरपोर्ट पहुँचने के बाद। देखते हैं वहाँ पहुँच के क्या रहेगा काम वगैरह का, जो भी होगा बताएंगे आपको। तो गाइस, वहां से एक मेट्रो से उतरने के बाद, नीली मेट्रो से उतरने के बाद, अब हम जा रहे हैं रेड मेट्रो की तरफ, पिंक मेट्रो की तरफ, क्योंकि ये है जो लाइन है पिंक, ये एयरपोर्ट की लाइन है और ये इसका पहला स्टॉप है और लास्ट स्टॉप एयरपोर्ट का है। ठीक है, तो मिलते हैं आपको सीधा वहीं पहुंच कर ही। फाइनली गाइस, हम पहुंच चुके हैं अपना एयरपोर्ट पे। ठीक है, और हम जाते हैं यहाँ पे अंदर, पता करते हैं कैसे क्या है क्या नहीं। ठीक है, तो मिलते हैं आपको, बाकी दिखाता हूँ आपको आसपास का व्यू। तो भाई, सब कुछ पता करके हम जैसे इन्फॉर्मेशन वाले काउंटर पे गए, तो उन्होंने बताया कि सब आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना पड़ेगा। तो अप्लाई हमने कर दिया इवॉल्व साइट के नाम से। ठीक है, वहाँ से हमने कर दिया। तो हम जा रहे हैं अप्लाई करने के बाद अपना घर की तरफ। तो मिलते हैं आपको अपना घर जाते हुए। बाकी उन भाई से कॉल कर लेते जो ओरिएंट गए थे, उनको भी पूछते हैं कितनी देर में आएंगे वो। हमको यहाँ पे आधा एक घंटा लग गया, क्योंकि पहले लाइन में खड़े रहे थे, आपने देखी है लाइन कितनी लंबी थी। तो लाइन में खड़े रहे, उसके बाद अब हम निकल चुके हैं यहाँ से। तो मिलते हैं आपको सीधा पहुँच कर ही अपना ओरिएंट भाई से। मिलते पहले देखते हैं क्या बात होएगी उनसे, बात पहले फ़ोन करते हैं, अगर वो आएंगे हमारे साथ ही तो मिलवाएंगे आपसे, नहीं तो हम सीधा घर चलेंगे या जो भी होएगा, जहाँ भी जाएंगे दिखाएंगे आपको। तो गाइस, हम ना मेट्रो में से उतर के ओरिएंट आ चुके हैं।
क्योंकि भाई कह रहे कि अभी उनको टाइम लगना है अपना कम से कम 1-1.5 घंटा। तो हमने सोचा कि हम भी इतना यहाँ वास्को द गामा जो मॉल है यहाँ घूम लेते हैं, ठीक है। तो अभी हम जाएंगे यहाँ पे अंदर, मतलब बिल्कुल सामने ही है ये बैक साइड में, अभी लाल बत्ती है पैदल वालों के लिए, ठीक है। तो अभी यहाँ से जाएंगे अंदर तो दिखाएंगे आपको, बाकी भाई तो मिलते हैं आपको अंदर जाके, मॉल में दिखाते हैं थोड़ा बहुत। गाइस अपना मॉल में घूम फिर के अब हम जा रहे हैं अपना घर की तरफ। तो अब यहाँ से जाएंगे मेट्रो में। तो गाइस हम आ चुके हैं अपना शिप में, बैठ चुके हैं और हम जा रहे हैं यहाँ से अपना घर की तरफ। तो मिलते हैं आपको घर पहुँच के। तो गाइस शिप में से उतरने के बाद हम अपना बैठ चुके हैं कमरे में, बैठे बाबा जी, और हम निकल चुके हैं तो भी कर जाके कुछ खाना पीना भी है, ठीक है। सुबह बस मैंने केले खाए थे, बनाना खाया था, वो इतने वही खा के निकले हुए थे। और अब जाएंगे खाएंगे कुछ बनाएंगे, तो देखते हैं कुछ बना हुआ मिला तो वो खा लेंगे, क्योंकि जो भाई और है ना वो अभी आ चुके हैं, आज उनकी भी छुट्टी हो गई थी करोना की, तो उन्होंने कुछ बनाया होगा तो वो खा लेंगे, नहीं तो फिर अपना बना के खा लेंगे, तो जो भी होगा खाएंगे आपको। तो मिलते हैं आपको सीधा अपना घर पहुंच के, ओके। तो कहीं हम पहुंच चुके हैं अपना घर पे और अब देखते हैं कुछ बनाते हैं, थोड़ा बहुत ब्रेड बड़े हैं फिर, नहीं तो ब्रेड खा लेंगे, जो भी खाएंगे दिखाएंगे आपको। फिलहाल थोड़ा सा फ्रेश हो जाते हैं तो आपको। तो गाइस अब मैं बनाना जा रहा हूँ राजमा, आलू राजमा तड़का लगा रहा हूँ, ओके। उसके बाद फिर बनाएंगे राजमा। तो जब चाचा बनने के बाद मिलते हैं आपसे, ठीक है। उसे पटे जाते उसे पानी चला दे, अलगल पानी उसमें चला दे। तो गाइस सब्जी तो बन चुकी है और अब बनाते हैं रोटी, जो कि तवा मैंने रख दिया। तो मिलते हैं आपको बाद में रोटी वोटी बना के खाने के बाद, ठीक है। तो फाइनली गाइस सब कुछ बनाने के बाद, खाना खुना बना के खाने के बाद अब करते हैं रेस्ट, और बाकी कल अपना नया साल, मतलब कल अपना 31 तारीख है और उसके बाद है अपना 1 तारीख नया साल 2024 स्टार्ट होने वाला है। तो इस पुराने साल में, मतलब 2023 में अपने जो भी गिले शिकवे हैं सबको बुला के तो नए साल की अच्छे से शुरुआत करें, ठीक है। जिनसे जो भी गलती हुई उन्हें सबको बुला के नए साल की अच्छे से शुरुआत करें। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, किसी शानदार वीडियो में। बाकी कल जाएंगे हम यहाँ से, देखते हैं अपना जा रहे हैं हम लोग, हमने जाना है यहाँ पे क्या कहते हैं टैर तो पासो, वहाँ किस्मत से कोई किस्मत से कोई प्रोग्राम नहीं था, बट मे भी कल कुछ ना कुछ प्रोग्राम होगा, तो जो भी होगा दिखाएंगे आप सभी को। आने वाले नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो मिलते हैं किसी शानदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम एंड टेक केयर।